चलेंगे, इसीलिए हम लोग पढ़े लिखे हैं कि पकौड़ा तलने के लिए कभी ना चलेंगे। वो दिखा देंगे जो होगा, आज यही दिखा देंगे। कहे आपको बताना क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? हुड़का जाम तो बोले ना, हुड़का जाम का मतलब तभी ना बताए। चाय बेचते थे उस समय की बात है, लेकिन आज आज हम लोग का बेटा बेटी को बोलिए कि चाय बेचेगा, नहीं बेचेगा। वो हम लोग के बदौलत मिले हैं, हम लोग के बदौलत, नहीं तो ये चाय वो बेचने लायक नहीं थे। आएगा समय, आ रहा है, 18 या 19 में हुआ था ना, रघुवर दास को हम लोग धमकी दिए थे कि आपको गद्दी से उतार के फेंक देंगे, फेंक के दिखाए, उसी तरह मोदी को भी दिखा देंगे। ना मोदी को हम धमकी नहीं दे सकते, हम लोग झारखंड का है, झारखंड की भाषा, झारखंड की बात बोलते हैं, हम लोग मोदी के बराबर नहीं है, हम लोग झारखंड में रहते हैं तो झारखंड को दिखा देंगे, एक बनने देंगे। ये हम लोग एक कुर्मी जाति का दावा है, अपना दावा के साथ कहते हैं, जिस तरह रघुवर सरकार को फेंके ना, उसी तरह झारखंड सरकार फेंका जाएगा। और अभी यहाँ कोई खड़ा नहीं होगा, कुछ नहीं मिलता है। सरकार ऐलान करता है कि ये दे रहा है, वो दे रहा है, लेकिन आम पब्लिक तक आने तक यह ठेपा मिलता है, ठेपा, और कुछ नहीं मिलता। वही धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग को स्त्री के दर्जा नहीं मिल रहा है। आज अगर हम लोग वहाँ, ये इतना दिन से हम लोग का शीतल भैया रात दिन एक करके ये कर कुर्मी समाज आगे आया कि किसी तरह हम लोग को एसटी का दर्जा मिल जाए, सही सलामत से हम लोग उनको एसटी का दर्जा मिल जाए करके हम लोग आए, लेकिन आज तक हम लोग को सही सलामत से नहीं मिला। लास्ट में मजबूर होके हम लोग यहाँ आए हैं, आदिवासी वो अपना पेट पाल रहे हैं। मुंडा जब मुख्यमंत्री था उस समय वो भेजा है बिल, उसके बाद वो अभी पास कहा नहीं कर रहे हैं, उसको जाके पूछिए। मेरा नाम अमित मातो हुआ और मैं दिल्ली कुर्मी समाज को लीड कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ जितना भी आंदोलन हो रहा है पूरे समाज में उसमें मैं पार्टिसिपेट लेता हूँ। और ये हम लोग का पिछले 70-72 साल की लड़ाई है, 6 सितंबर 1950 से पहले हमारी कुर्मी जनजाति शेड्यूल ट्राइब में थी, एबोरिजिनल ट्राइब पे थी, लेकिन 6 सितंबर 1950 में शेड्यूल ट्राइब वर्ड को अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद टोटल 13 कम्युनिटी में से 12 कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में अमेंडमेंट किया गया और कुर्मी कम्युनिटी को निकाल दिया गया विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी गजेट। इसीलिए पिछले 70-72 साल से हम लोग ये फाइट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे माँ बहन सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, युवा साथी आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं झारखंड उड़ीसा बंगाल से, और इस बार हम लोग हक लेके रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने इस बार के आंदोलन का नाम दिया है सांसद भवन हुड़का जाम। अगर सांसद में आज जो सेशन चल रहा है वहाँ पर हमारे बातों का आज नहीं उठाया गया तो हम लोग हुड़का जाम करेंगे सांसद का। और हमारे क्षेत्र में जब ये सांसद जाएंगे 2024 के इलेक्शन में तो किसी को अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। हुड़का जाम का मतलब होता है बैरिकेडिंग लगाना अपने घरों में, अपने गाँवों में। तो इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन का नाम दिया है सांसद भवन हुड़का जाम। एक्चुअली हमेशा हम लोग के साथ पॉलिटिकली प्रोपोगंडा किया जाता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में एकल ऐसी जनजाति कम्युनिटी है जिसकी जनसंख्या करीब 25% के आसपास है। इसीलिए हमारे जनसंख्या ज़्यादा होने के वजह से हमें पॉलिटिसाइज करके एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा पे हमें फंसाया जाता है, इसीलिए आज तक नहीं हो पाया। लेकिन अब हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हैं, अब या तो हम लोग का वो अधिकार देंगे नहीं तो सारे सांसदों का, एमएलए एमपी का हुड़का जाम होगा, एकदम सुधर जाएगा। जब वोट ही नहीं मिलेगा, मंत्री और एमएलए कोई घुस नहीं सकते हैं तो सारा कुछ हो जाएगा, अधिकार हम लोग को मिलेगा, नैतिक सामाजिक अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। अगला कदम 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमारा समाज जो है वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। अर्जुन मुंडा हमारे जनजातीय मंत्री हैं, अगर हमारा आवाज को वहाँ अगर कानून बना के पास नहीं करेंगे, बिल नहीं लाएंगे लोकसभा में, तो हम लोग अर्जुन मुंडा को भी हराने का काम करेंगे और झारखंड में हमेशा हर जगह उसका विरोध करेंगे। सुनने वाला कोई नहीं है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। तो आने वाला 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में रहेंगे।